दोस्तों, सिंगरौली ज़िले में इंदौर जंक्शन मूवी की शूटिंग चल रही है। आपको बता दें कि इसमें लगातार कई दिनों से इंदौर जंक्शन मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि प्रोड्यूसर और कलाकार सिंगरौली में आए हुए हैं और सिंगरौली की आवाज़ पर खास बातचीत इंटरव्यू दिए हैं। पूछा गया कि इस फिल्म का उद्देश्य क्या है, किस विश्व पर आधारित इस फिल्म को बनाया जा रहा है, तो बताया गया कि सिंगरौली में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जैसी घटनाओं पर ही यह मूवी बनाई जा रही है। आपको बता दें कि 20 मार्च को बिंदनगर NTPC लेक पार में इनकी शूटिंग चलेगी और बहुत ही अच्छा हिंदी मूवी बनने जा रही है। अपने सिंगरौली में पहली बार शूटिंग के साथ बन रही है। आपको बता दें कि सिंगरौली की सभी लोकल कलाकारों को भी शामिल किया गया है और यहां तक कि रुपेश जौनी और सुधीर चौधरी, अविनाश तिवारी, ये सब इस फिल्म में कुछ ना कुछ रोल दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन इस फिल्म बनने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कैसे शुरुआत हुई आर्यन रमन भाई से मुलाकात करके और मध्य प्रदेश भर में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपका क्या रोल होगा इस फिल्म में? एक ऑडिशन भी उसको मिली थी, ऑडिशन के माध्यम से मिली और उसने के बाद मेरा ऑडिशन दिया जो मुझे किया और फिर उन्होंने उस फिल्म के बारे में बताया उसको जानने के बाद अंदर से और ज़्यादा भाई देख सकते काम करने से बहुत अच्छा संतोषन हुआ है। इसके अंदर मेरा मीरा का कैरेक्टर है, मेरा एक ऐसा रोल है जिसके ऊपर ही कहानी बनी हुई है जो एक्सीडेंट हो जाए कितने हैं और किस तरीके से अभी तक कितना काम हो पाया है इस फिल्म में, कब से शुरू किया ये बनाने को? इसमें जो कलाकार हैं वो लगभग 70 से 80 कलाकार हैं जिनमें जैसे यहाँ के लोकल कलाकार भी हैं, रुपेश करके यहाँ के कलाकार हैं, कॉमेडी करते हैं, अपने सिटी के कलाकार हैं अविनाश तिवारी जी हैं और अनिरुद्ध प्रताप जी हैं जो भी गोल्ड कर रहे हैं इंदौर से, ऐश्वर्या राज भाभी हैं, ऐश्वर्या राज भाभी मध्य प्रदेश से लेकिन अभी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी हैं, अक्षय कुमार के साथ भी नजर आ चुकी हैं, पृथ्वीराज चौहान ने और भी बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं। अभी उनका प्रेजेंट जो चल रहा है सोनी पे आता है श्रीमद भागवत नाम है, उसमें वो पार्वती का रोल कर रहे हैं और लगभग सारे कलाकार मध्य प्रदेश से 99% कलाकार, एक आध दो ऐसे कलाकार हैं जो बाहर से हैं, उनको कला उनकी मतलब उनका जो काम था वो बहुत अच्छा था तो हमने ये प्रायोरिटी नहीं रखा कि किस जगह के हैं, वो काम अच्छा था इसलिए उन्हें रखा। तो और फिल्म की शूटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और 10 डेज का शूट अभी सिंगरौली में है जिसके लिए हम भी हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए और 10 दिन के अंदर ये शूट कम्प्लीट कर 10 से 15 दिन और यहाँ से वापस। कितना बजट लगा इस फिल्म को लगभग बनाने में और कितना लगभग मतलब इस फिल्म की कमाई भी होगी आप क्या सोचा आपने? इस फिल्म को कमाई के एक्सपेक्टेड तो कभी नहीं देखा था कि उस हिसाब से, तो इस फिल्म में अभी तक 2 करोड़ के बजट लग चुके हैं, लगभग 1.5 करोड़ बजट लग चुका है। आगे अब क्या लगेगा अभी उसका अनुमान नहीं लगा सकते और मेरी भी पहली फिल्म है तो इससे ज़्यादा जैसे कि अपन प्रोडक्शन के बारे में भी ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं, लाइन प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हमारे पास ऐसे कुछ खास नहीं थे और उसकी थोड़ा एक्सपीरियंस है जिससे थोड़ा पैसे भी ज़्यादा लगे, अभी और भी लग सकते हैं और कोशिश करेंगे कम से कम बजट में अपनी फिल्म तैयार हो जाए और फिल्म तैयार होने के बाद अगर हमारी फिल्म
सोसाइटी में थोड़ा चेंजेस लाती है, इसकी कहानी लोगों को पसंद आती है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि मध्य प्रदेश में इनको टैक्स फ्री करें, क्योंकि ये सबके लिए एक अच्छा मैसेज होगा और लर्निंग मैसेज है ताकि सब लोग देख सकें आ सकें। शाहरुख जी ने अभी थोड़ा सा रिव्यू बताया था, आप थोड़ा बताएं कि आपका ये कैसे सोचना होगा कि ये फिल्म बनाना है, क्या संदेश देना चाह रहे थे, मतलब सोचा क्या था कि फिल्म बनाना है। अतुल भाई, मैं सिंगरौली से हूँ, आप भी सिंगरौली से हो, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे सिंगरौली में डेली एक से दो लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, तो ये तो एक ऐसे ही दिल बहला देता है, कभी कोई अपना मरता है, कभी कोई थोड़ा दूर का रिश्तेदार मरता है, लेकिन डेली मौतें हो रही है एक्सीडेंट, और उसकी जो वजह होती है, अगर उसकी वजह के पीछे जा रहे हैं तो सिर्फ एक सेकेंड होता है वो वजह, एक सेकेंड लापरवाही होती है, एक सेकेंड गलत तरीके से ड्राइविंग करना होता है, एक सेकेंड इधर देखा आपने एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो एक सेकेंड होता है वो कितना अनअवेयर होता है उस टाइम पे आदमी की, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और जान चली जाती है, उस एक सेकेंड को हम अपनी लाइफ से किस तरह से दूर करें ताकि वो एक सेकेंड हमारी लाइफ में आए और हमारे साथ सामने वाले की भी जान सेफ है। हम सिंगरौली से सीखते हैं कि सिंगरौली में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और आज भी आप भी कितने कोशिशें कर रहे हैं इनके ऊपर आप जाके कवर करते हो, मैं देखता हूँ हमेशा आपके न्यूज़, आज एक्सीडेंट वहाँ हुआ यहाँ हुआ, तो वो दिल दहला देता है, तो हमेशा से ये चाह रही है जितनी भी मैं फिल्में किया हूँ कि एक अच्छा मैसेज जाए, तो क्यों ना शुरुआत एक ऐसे फिल्म से करें जहाँ लोगों की जान बच सके, तो अगर उसके मैसेज से अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो ये हमारे सौभाग्य होगा। भूल एक नसीहत आपने बनाया था, इसके बाद काफ़ी समय हो गया, बीच में कहाँ गायब हो गए? देखिए, कुछ बड़ा करने के लिए तैयारियाँ करनी पड़ती हैं ताकि पब्लिक के सामने अच्छा बना के लाए, तो उसके बाद मैं मुंबई था और मुंबई में इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन की तैयारियाँ चल रही थी, लगभग दो साल से मैं इस फिल्म की स्टोरी स्क्रिप्ट पे काम किया हूँ और अभी तो मेरा लुक देख रहे हैं जिसने तीन से अभी है, लेकिन पहले का लुक है जो आप फिल्म देखेंगे कि मेरे बहुत बड़े बड़े हेयर्स एंड बियर्ड है, शायद आप पहचान ना पाओ, लेकिन अगर स्टोरी में कनेक्ट रहोगे तो ज़रूर पहचानोगे, तो मैं पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ था। बिल्कुल, तो दर्शकों को ये बता दीजिए कि कब मूवी रिलीज होने वाली है? कोशिश करेंगे हम कि अगस्त के बाद इस फिल्म को हम रिलीज़ करेंगे, बाकी डिपेंड करता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे फिल्म को गुजरना पड़ता है, लाइक सेंसर बोर्ड पास कराना, पोस्ट प्रोडक्शंस, तो मे भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट डेट बता पाना कभी नामुमकिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगस्त के बाद इस फिल्म को रिलीज़ करें। तो मरक्सन के द्वारा इंदौर जंक्शन तैयार की जा रही है, और मैं इसलिए ये सवाल पूछा था कि बीच में आप कहाँ चले गए थे, तो निश्चित रूप से एक उजाला देखने के लिए काफ़ी अंधेरों का सामना करना पड़ता है, तो शायद वो अंधेरा वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस पर चलकर संघर्ष करता है, तो इस संघर्ष का जो नतीजा है ना वो अगस्त में आएगा, तो संदेश भी अच्छा है, सड़क हादसे के क्यों हो रहे हैं, लगातार इतनी हादसाएँ होती हैं, तो उसके पीछे की वजह भी जाननी है हमें, तो इंतजार करिए, इन्हें हौसला दीजिए कि अच्छा काम कर सके, सिंगरौली के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिंगरौली ऊर्जाधानी है, ऊर्जाधानी के साथ साथ हमारे कलाकार भी आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर फिल्म काफ़ी अच्छा होगा, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।